Hello dear friends, my name is Professor Ghanshyam Jawalkar. I am assistant professor in mechanical department. Today I will explain you the working taking reading from the vernier caliper. So today's topic is vernier caliper. So this is the vernier caliper. You can see the vernier caliper. As the description of the vernier caliper, there are three components in the vernier caliper. There is a fixed jaw and the moving jaw. We can take the reading by moving jaw, sliding jaw. So there is a thumb nut, thumb screw, and there is a micrometer. So before taking the reading from the vernier caliper, we have to take the least count of the vernier scale, as well as the least count can be written on the scale also. So here the least count is 0.02. So there is a formula for counting the least count, to calculating the least count, that is equal to smallest division. Your smallest division on main scale upon number of divisions on vernier scale. So there are two scales, as you can see. This is the vernier, this is the main scale, and this is the vernier scale. On the main scale, the reading is in centimeters, and centimeters divided into millimeter. So main reading can be millimeter and centimeter, and the vernier scale having divisions, so there are 50 divisions. So the smallest division on the smallest reading or division on the main scale is 1 millimeter, and the number of divisions on the vernier scale is 50, as you can see here. So 1 millimeter divided by 50 is 0.02. So this is the least count of this vernier scale. So we can calculate the vernier scale least count, or it is already written on the vernier scale. You can see here. Okay. Now I am giving an example how we can calculate or how we can measure the diameter of a particular device. So supposed to be this is a component. We have to measure the outer diameter of this component. So हमें क्या करना है यहाँ पर कि इस तरह से fix jaw तो fix रहेगी, moving jaw को move करके हमें किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे यहाँ पहुंच जाना है. तो देखिए, मैंने दोनों जॉस को कनेक्ट कर दिया है इस कंपोनेंट के आउटर पार्ट पर, और यहां पर मैंने इसको कनेक्ट करने के बाद में थंब से हम इस स्क्रू को टाइट कर देंगे. तो ये हमने कनेक्ट करने के बाद में को टाइट कर दिया, ठीक है. तो देखिए, अब इस डिवाइस को हम निकाल लेते हैं, इस कंपोनेंट को निकाल लेते हैं, और यहां पर रीडिंग कैलकुलेट करने का तरीका मैं आपको बताता हूं. सबसे पहले हमको देखना है मेन स्केल. तो मेन स्केल पर रीडिंग क्या आ रही है, तो देखिए आप यहां पे देख सकते हैं 0 से लेकर 10 mm 11 mm, और फिर यहां पर आप देखें बारीकी से, थोड़ा ध्यान से, तो यहां पर आपको दिखेगा कि 12 mm वाली लाइन को आपने क्रॉस कर दिया है. देखिए 12 mm वाली लाइन को हमने क्रॉस कर दिया है यहां पर, लेकिन 12 mm के बाद कितना डिस्टेंस है वो हमको नहीं मालूम. तो यहां पर हम जो टोटल रीडिंग है उसके अंदर फॉर्मूला लगाएंगे. यहां पर टोटल रीडिंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग, MSR मेन स्केल रीडिंग, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट. तो मेन स्केल रीडिंग यहां पर हमने ऑलरेडी अभी देखा, मेन स्केल रीडिंग कितना है यहां पर 12 mm. तो 12 mm हम यहां पर रखेंगे मेन स्केल रीडिंग, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग. अब वर्नियर स्केल की रीडिंग हम कैसे देखेंगे, तो हमें यह देखना है यहां पर कि इस वर्नियर स्केल में जितने भी डिविजन्स हैं उनमें से कोई एक डिविजन मेन स्केल वाले डिविजन से, मेन स्केल वाले लाइन से यहां पर इंटरसेक्ट करेगा. तो हमें ध्यान से देखना पड़ेगा इसको कि कौन सा इंटरसेक्ट कर रहा है. तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये देखिए, वर्नियर स्केल पे जो 3 लिखा हुआ है, मेन स्केल पे जो 3 वाली लाइन है उसी के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है. अब ये 3 कितने डिविजन है तो वो काउंट करना पड़ेगा. 0 से 1 होते हैं 5 डिविजन, 1 से 2 फिर 5 डिविजन, और 2 से 3 फिर 5 डिविजन. तो टोटल 15 डिविजन है वर्नियर स्केल के. तो 15वां जो डिविजन है वो मैच कर रहा है यहां पर मेन स्केल के साथ में. तो हमारा वर्नियर स्केल का रीडिंग कितना हो गया, 15, ठीक है. तो इस 15 को हम यहां पर लिखेंगे 15 लीस्ट काउंट है 0.02 mm. इस सबको सॉल्व करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 12 mm प्लस
15 × 0.02 = 0.3 mm. सबको अगर हम जोड़े तो यहाँ पर जो टोटल रीडिंग है, टोटल रीडिंग इज 12.3 mm बाय दिस वर्नियर स्केल. ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर वर्नियर स्केल से रीडिंग लेते हैं. थैंक यू.